नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस साल मानसून का सबसे ज़्यादा असर उत्तरी बिहार पर पड़ा है, जहां औसत से अधिक बारिश होने की वजह से उत्तरी बिहार के इलाके के लगभग सभी जिले बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। और अभी भी राज्य भर में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से पिछले दिनों राज्य के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बीते दिन राजधानी पटना सहित कई इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है। अगर मौसम विभाग की माने तो राज्य के अधिकतर जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जहां आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग पटना के अनुसार मानसून दक्षिण छत्तीसगढ़ पर निम्न दबाव का क्षेत्र और संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण के साथ आसपास औसत समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊंचाई के साथ ही दक्षिण पश्चिम की ओर इसका झुकाव बना हुआ है। मानसून ट्रफ अब समुद्र तल से बीकानेर, अजमेर, गुना, विदर्भ और इससे सटे मध्य प्रदेश के निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजर रही है। वहीं काकीनाडा और फिर दक्षिण पूर्व की ओर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से उत्तरी बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में मानसून ट्रफ का असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इन जिलों के अधिकांश जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 1 सितंबर के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज अधिकतर जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले के अधिकांश जगहों पर आज बारिश होने का अनुमान है। अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में आज कुछ ही जगहों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है। विशेष रूप से राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।